ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान। इनकी साल 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान, जिसने की अपने शुरुआती चार ही दिनों में बॉक्स ऑफिस के सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन ये फिल्म के अपने चौथे दिन अच्छा होल्ड दिखा पाएगी और अपने कलेक्शन को बरकरार रख पाएगी। तो अगर आप भी सुपरस्टार शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती चार ही दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 550 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि इस फिल्म ने अपने चौथे मतलब संडे वाले दिन लगभग 160 करोड़ की कमाई दुनिया भर से की है। इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी जलवा दिखा रही है ये फिल्म। जी हां दोस्तों, यूएई, यूएसए और कुछ गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म काफी जबरदस्त कमाई कर रही है। और आज अपने पांचवें दिन भी ये फिल्म वर्किंग डे होने के बावजूद काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। जी हां दोस्तों, आज मॉर्निंग से ये फिल्म लगभग 30% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। और आज भी इवनिंग और नाइट में फिल्म के कई सारे शोज हाउसफुल होने वाले हैं, जिसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अपने पांचवें दिन आज लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से करने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का शुरुआती पांच ही दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 610 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपने शुरुआती 10 से 12 दिनों में यह फिल्म लगभग 1000 करोड़ तक की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कर लेगी और अपने लाइफ टाइम में यह फिल्म 1500 करोड़ के भी आंकड़े को टच कर सकती। तो आप सभी को सुपरस्टार शाहरुख खान की जवान कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।